सावरकर की तारीफ कर बुरे फंसे अभिषेक मनु सिंघवी। सिंघवी के बयान से नाराज सोनिया गांधी ने मांगी सफाई। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। बीजेपी ने सावरकर को भारत रत्न दिलवाने का वादा किया तो पार्टी सांसद मनीष तिवारी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव के बीच जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सावरकर की तारीफ की तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज हो गई। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के संकट मोचक नेताओं में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी से पार्टी आलाकमान नाराज है। इस नाराजगी की वजह सिंघवी का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने सावरकर की प्रशंसा की। सिंघवी का ये ट्वीट उस वक्त आया जब महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग चल रही थी। खबरों की माने तो इस ट्वीट की टाइमिंग और इसके सार को लेकर सोनिया गांधी सिंघवी से काफी खफा हैं। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने एक विश्वत को सिंघवी को फोन करने को कहा और उनसे सफाई की तलब की है। पार्टी सूत्रों की माने तो सिंघवी को कांग्रेस के एक सीनियर नेता का फोन गया था और उनसे ट्वीट के तथ्य और इसकी टाइमिंग पर सवाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी का यह कॉल सोनिया गांधी के कहने पर किया गया, जो कि सिंघवी के ट्वीट से नाराज दिखी। असल में वोटिंग के दिन सिंघवी का ये ट्वीट कई संदेश लेकर आया और कांग्रेस खेमे में बेचैनी पैदा कर दिया। शाम होते होते एक एग्जिट पोल ने दोनों ही राज्यों में बंपर बहुमत से बीजेपी की सरकार बना दी तो कांग्रेस कैंप में इस ट्वीट की चर्चा और भी होने लगी। असल में सिंघवी ने अपने ट्वीट में सावरकर की तारीफ करते हुए लिखा था, मैं व्यक्तिगत रूप से सावरकर की विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस तथ्य को नहीं निकालता हूं कि वो एक परिपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। सावरकर ने दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए जेल गए। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद सिंघवी इस पर सफाई देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सिंघवी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं, कई बार उन्होंने पार्टी बतौर संकट मोचक काम किया है, लिहाजा उनके ट्वीट ने कांग्रेस के सामने थोड़ी देर के लिए विचारधारा का सवाल खड़ा कर दिया और सोनिया गांधी के नाराज होने की असली वजह भी यही बताई जा रही है। कुल मिलाकर सावरकर पर बयान देकर सिंघवी बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।